आपको पता है जिस वक्त आपने मेरे साथ आने का फैसला सुनाया था, वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मैं जानता हूं आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन आपने एतबार किया मुझ पे सोनिया, और यही एतबार एक दिन आपको मुझसे मोहब्बत करना मुझसे कर देगा। अदन तो शाम में आएंगे, तुमने अभी से इंतजार शुरू कर दिया? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ खड़ी हो गई। सोमिया, अगर इस घर में रहना है तो इस घर के लोगों से लातालुक होकर तो नहीं रह सकती ना? मैंने कोशिश की है, लेकिन आंटी मुझसे बात नहीं करना चाहती। करने लगेंगी जब उन्हें एहसास होगा कि तुम अदन का गलत इंतखाब नहीं हो, तो जरूर बात करने लगेंगी। और उन्हें एहसास कैसे होगा? जब वो देखेंगी कि तुमने उनका घर कितनी मोहब्बत से संभाल कर रखा हुआ है, तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि तुम भी इस घर का फर्द हो, फिर तुम्हें वो इग्नोर नहीं करेंगी। एनीवे, अदन का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि घर पर सारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पूछ लूंगी। एक बात कहूं सोमिया, तुम जिस बैकग्राउंड से आई हो, वहां पे लड़कियों को काफी शौक होता है ना ये कुकिंग वगैरह का। कितना अच्छा हो अगर तुम हमारा किचन संभाल लो, इस तरह खाला भी इंप्रेस हो जाएंगी, क्या पता वो तुमसे बात करना शुरू कर दें। सुमिया, ये मत समझना कि मैं तुमसे काम कराना चाह रही हूँ, तुम मना कर सकती हो। काम करने की मुझे आदत है, वैसे ठीक है, इस तरह मेरा वक्त भी गुजर जाएगा। Great. चलो फिर मैं तुम्हें किचन की सारी चीजें दिखा देती हूँ। सोमिया, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझसे मिले बगैर तुम अपने ससुराल चली गई। कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहती थी कि तुम अपने ससुराल चले जाओ। तुमने नहीं मिला तो क्या हुआ, मुझे तो मुबारकबाद देनी चाहिए ना। ये हमारा किचन, यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम पूछ सकती हो। खाला को बिल्कुल भी स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और अदन को बहुत पसंद है। ये क्या कर रही है यहाँ पर? खाला, असल में ये चाह रही थी कि किचन आज से यही संभाले। ये किचन नहीं, घर संभालने आई है। इसे कह दो कि ये कमरे से बाहर ना आया करे, इसे देखकर मेरे जख्म हरे होने लगते हैं। ज्यादती कर रही हैं आप, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो फिर आपको अपने बेटे की जिद के आगे हार नहीं माननी चाहिए थी। और जिन जख्मों की दुहाइयां आप दे रही हैं, वो मैंने नहीं, आपके बेटे ने आपको दी। आइंदा अगर तुमने खाला से इस लहजे में बात की ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखना तुम। शीरिन प्लीज, मैं सब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। खाला, ऐसे तो ना बोलें, मैं वैसे ही अकेली पड़ गई हूँ, अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मेरा साथ कौन देगा? रोका था मैंने तुम्हें। खाला, अगर मैं आपके रोकने से रुक जाती तो अदन हमेशा के लिए सोमिया का हो जाता। क्या लगता है तुम्हें, सोमिया के होते हुए अदन तुम्हारा हो सकता है? बहुत मासूम हो तुम। खाला, आप फिक्र ना करें, अगर उसे इस घर में लाने की हिम्मत की है ना, तो उसे अदन की जिंदगी से निकालने का हौसला भी खुदा मुझे दे देगा।